घर तो खरीद लिया, अब आप होम रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपको पता है आप ऐसी 11 गलतियां अवॉइड कर सकते हैं जो कि आपको बहुत परेशान करेगी बाद में। हाय, आई एम शशांक जैन, को फाउंडर ऑफ वुडोफा। वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। सो द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिस्कशन इज नॉट हायरिंग द डिजाइनर राइट इन द स्टार्ट। तो कई बार क्या होता है कि हम ना अपना डिज़ाइनर चूज़ करते वक्त बहुत टाइम लगा लेते हैं या बहुत लेट हो जाता है। तो आपने प्रोजेक्ट तो शुरू कर लिया या आपने घर बनाना तो शुरू कर लिया, मे बी आप उस समय आर्किटेक्ट हायर नहीं कर पाए या इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं कर पाए और आपने जल्दीबाजी में घर शुरू कर लिया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरा पहला पॉइंट हमेशा डिस्कशन का रहता है, फाइंड द डिज़ाइनर एंड हायर द डिज़ाइनर राइट एट द बिगिनिंग, शुरू में ही हायर कर लो। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट हैविंग अ बजट। तो मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि जो एक टेंटेटिव बजट भी नहीं बनाते हैं अपने घर को शुरू करने से पहले। तो आपको घर को शुरू करने से पहले, चाहे वो डिज़ाइन कर रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं या एक नया घर बना रहे हैं, एक टेंटेटिव बजट ज़रूर बना लीजिए। वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वॉट एवर अमाउंट आपके घर के आपका बजट हो सकता है, पर उस एक टेंटेटिव बजट को ज़रूर ध्यान रखें। और ये बजट आएगा कैसे, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैं बात करता हूँ कि बजट कैसे आइडेंटिफाई करें, अपने घर का बजट कैसे बनाएं। आप वो वीडियो देख लीजिए और अपने घर का एक टेंटेटिव बजट भी ज़रूर बना लीजिए। माय थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ नॉट फाइंडिंग द राइट कॉन्ट्रैक्टर। तो कई बार होता है हमने डिज़ाइनर तो हायर कर लिया, बजट भी सेट कर लिया, पर हमें सही कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल पाया। ये दो वजह से होता है कि बहुत सारे डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइन करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर आपको अलग हायर करना पड़ता है, तो आपने सही कॉन्ट्रैक्टर चूज़ नहीं किया, या आपने कॉन्ट्रैक्टर तो चूज़ किया पर उसकी ड्यू डिलीजेंस नहीं करी। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने उसके रेफरेंसेस चेक भी नहीं करे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, या तो आपके अपने डिज़ाइनर को बोलें कि वो रिकमेंड कर दें, या फिर आपका कोई अपना कॉन्ट्रैक्टर है उसकी ज़रूर ड्यू डिलीजेंस या रेफरेंस चेक ज़रूर कर लीजिए। माय फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, और ये मैं सब लोगों को बोलता हूँ जो हमारे पास काम करने के लिए भी आते हैं और हमसे काम भी कराते हैं या हमसे डिज़ाइन कराते हैं। टू मैनी चेंजेस अलॉन्ग द वे। मतलब आप जब घर का काम कर रहे थे और अपने घर का डिज़ाइन आपने बना लिया, तो आप उसको बिना फाइनल करे आपने घर का काम चालू करा दिया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का था या फिर इंटीरियर्स का था या रेनोवेशन का था, पर अभी तक आपकी प्लानिंग ही फाइनल नहीं हो पाई थी और आपको बहुत जल्दी थी और आपको जल्दी घर में शिफ्ट करना था, तो आपने इनकरेक्ट प्लानिंग के साथ ही अपने घर को शुरू कर लिया। अब होगा क्या, आप घर बनाते जाएंगे और आपकी प्लानिंग चेंज होती जाएगी। जब जब प्लानिंग चेंज होगी तब तब कॉस्ट ओवररन होगा और डिले होगा प्रोजेक्ट पे। तो इसमें सिर्फ आपकी गलती, आपके डिज़ाइनर की गलती या कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है। इन टोटैलिटी आपको प्लानिंग दिमाग में पेपर पे पहले ही दिन फाइनल कर लेनी चाहिए, या आई मीन टू से कि जल्दी से जल्दी फाइनल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप काम शुरू कराएं। मैं 5वां पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, गूगल। गूगल की इमेजेस लोग लेके आते हैं और बोलते हैं हमें ये घर बनाना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, सिर्फ इमेज से आपको कुछ भी पता नहीं लगता। सिर्फ एक एस्थेटिक डिज़ाइन तो ज़रूर समझ में आ जाता है, परंतु उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो मटेरियल क्या यूज़ करा जाएगा, या वो ड्यूरेबल है कि नहीं, तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको देखना होगा। तो अगर आप गूगल से कोई इमेज ढूंढ रहे हैं या आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को या डिज़ाइनर को बोल रहे हैं, तो उससे बात करें और पूछें कि इस इमेज में है क्या, मटेरियल क्या है, कॉस्ट कितनी आएगी, ड्यूरेबल है कि नहीं है। तो खाली ब्लाइंडली इमेज को मत फॉलो करना, थोड़ा सा दिमाग भी ज़रूर लगा लेना। सो मेरा छठा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ रनिंग टू फास्ट। कई बार हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल वेट किया होता है घर का मिलने में और एक नया घर खरीदने में, और हम इंटीरियर्स में इतनी जल्दी करते हैं और हमें लगता है हम कल ही मूव हो जाएं। अगर आप प्रॉपर टाइम अपने एग्जीक्यूशन स्टेज को नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के इश्यूज़ आएंगे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे घर में, जो आज नहीं आपको 2 साल बाद पता लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपने घर को एक एप्ट टाइम, एक ज़रूरी टाइम ज़रूर देना है, हर एक स्टेज को देना है। POP जब तक ढंग से सूखेगी नहीं, आगे का काम होगा नहीं। इसी तरीके से पेंटर तभी काम कर पाएगा जब लाइटिंग कट हो जाएगी। तो अगर आप ये प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे और अपने घर को जल्दी एक्सपेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ गलतियां बढ़ जाता है। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, तो आप भी मत करें। एक प्रॉपर प्लानिंग करें, एक शेड्यूल बनाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं इसको सालों साल चलते रहने दीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, उस शेड्यूल के बेसिस पे आप बात करिए अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अपने डिज़ाइनर के साथ, और वो काम कराइए।
मेरा सातवां पॉइंट इस डिस्कशन का है लोवेस्ट बिड। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोग सस्ता या जो भी कॉन्ट्रैक्टर या डिज़ाइनर सबसे सस्ता काम कर रहा होता है आप उसको ले लेते हैं। तो आप देखिए, सिर्फ लोवेस्ट बिड को अपॉर्चुनिटी मत माने। हो सकता है कोई जना महंगा काम कर रहा हो पर वो वैल्यू भी दे रहा होगा, और कोई हो सकता है सस्ता काम कर रहा हो पर मे बी वैल्यू दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, मुझे पता नहीं। सो डू नॉट ऑलवेज गो टू द लोवेस्ट बिड। तो जो सबसे सस्ता काम करे, ज़रूरी नहीं है आपको उसी से काम कराना है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, वैल्यू चेक करनी है और उसका काम ज़रूर देखना है। मे बी कि तभी आपको उसके आइडिया, उसकी फील के बारे में पता लग पाएगा। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं अक्सर बोलता हूँ। सो व्हेन पीपल स्टार्ट डिज़ाइनिंग देयर हाउस एज क्लाइंट्स, सो दे टेंड टू नो एवरीथिंग। तो उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। मैं आपको बोलूँ, मुझे एज अ डिज़ाइनर भी सब कुछ नहीं पता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत मटेरियल्स को अपग्रेड करना पड़ता है, रोज़ रोज़ नया नया चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब आपको उस मटेरियल के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर मैं बोलूँ मुझे सब कुछ पता है, नहीं पता है। इसी तरीके से आप एज अ क्लाइंट, ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ पता हो। तो आप अपने डिज़ाइनर को ट्रस्ट करें, अपने कॉन्ट्रैक्टर से समझें इस चीज़ की क्या एनालॉजी है और ये क्यों किया जा रहा है, तभी उस काम को कराएं। सो गाइस, दिस इज़ माय 9 पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, और ये है अप्लाइंसेस के बारे में। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को ये नहीं पता होता उन्हें कौन सी वॉशिंग मशीन चाहिए, कौन सा हॉब चाहिए, कौन सी चिमनी चाहिए, कौन सा एसी चाहिए, और वो अपना घर का काम शुरू कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज, जब आपका अपने डिज़ाइनर के साथ डिस्कशन हो रहा है, आप उसी समय डिसाइड करें आपको किस तरीके का मटेरियल, किस तरीके के अप्लाइंसेस यूज़ करने हैं, क्योंकि उसकी प्लानिंग में वो बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकता है आपकी किचन में आपको छोटी चिमनी लगानी हो और वो प्लानिंग बाद में बड़ी की करनी पड़े, तो आप कैसे कराओगे? वो ओवररन करेगी कॉस्ट और आपका काम भी डिले होगा। तो ये आप नहीं करिए। गाइज, ये एक फैमिली के ऊपर पॉइंट है, और मेरे को लगता है एज फैमिली जब हम एक घर बनाते हैं तो बहुत सारे इमोशंस अटैच होते हैं उस घर के साथ, और उस इमोशंस को मैप करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि फैमिली में 4-5-6 लोग होते हैं, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस घर से। तो आपको इंटरनली, ये आपका डिज़ाइनर नहीं कराएगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, हूएवर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाइए उस पूरे घर की प्रोसेस के लिए। दो ब्रदर्स, दो वाइफ, दो सिस्टर्स को मत इन्वॉल्व करें। एक जना इज़ द की एलिमेंट ऑफ द हाउस, वो सबसे ज़्यादा डिसीजन ले और बाकी सबसे राय ले। तो आप ये पूरी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करें और एक जने को की डिसीजन मेकर बनाएं, जिससे कि आपके घर के डिसीजंस में प्रॉब्लम्स ना आए, आपको घर बनाते वक्त बार बार रीचेंज ना करना पड़े डिसीजंस को, और बाद में अनसैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ना मिलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुरा लग सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई एम कमिंग नियरली टू द एंड। तो अब आप में बिल्कुल आखिरी में हूँ, और मेरा आखिरी पॉइंट है नॉट नोइंग द वाई ऑफ रेनोवेशन। आप कहोगे शशांक ये कौन सा पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? तो मुझे लगता है कई बार ना लोगों को ये नहीं पता होता मैं रेनोवेशन क्यों करा रहा हूँ, 1, या मैं नए घर में इंटीरियर्स क्यों करा रहा हूँ, 2, या मैं क्यों कराना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ना वाई क्लियर होना चाहिए। मे बी वो वाई शोशा ऑफ हो सकता है कि आपको शोशा करना है, मे बी आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करना है, मे बी कुछ और हो सकता है, आई डोंट नो। दे कैन बी मेनी वाइज टू द रेनोवेशन। तो वो वाई ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वाई पता है तो पूरी जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी और आपका घर बहुत सुंदर बनेगा। एंड ट्रस्ट मी, वाकई में बहुत सुंदर बनेगा। जस्ट ये 11 पॉइंट्स को फॉलो कर लो, बहुत अच्छे से घर बन जाएगा। अब आपको 11 गलतियां तो पता लग गई होंगी कि आप नया घर बनाने से पहले या रेनोवेट करने से पहले जो कि अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ये मेरे 11 पॉइंट्स फॉलो करें और अपना नया घर बना रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपको रिप्लाई करते वक्त। और मैं और बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा और इन गलतियों को बहुत ज़्यादा बताऊँगा। बिफोर, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस घर और उससे रिलेटेड टिप्स के लिए बनाए हैं और मुझे आपका प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच।